बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दो पुस्तकों को लेकर चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि उन दोनों पुस्तकों में क्या है, उनका विषय वस्तु क्या है, उसके संपादक कौन है, प्रकाशक कौन है, इस पूरे अपने आज के लाइव में उसी पर चर्चा करेंगे। इस लाइव के दौरान आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उन किताबों से जुड़ी जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है 9199109024। आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब चैनल वेब बिहार 24x7 पर देख सकते हैं, और अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक, आप हमारे फेसबुक पर भी आ सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है कुमार भाई पटना के नाम से, आप जब भी लिखेंगे नाम वीरेंद्र कुमार यादव तो उसमें एक लोगो आएगा BYN, वही लोगो हमारा फेसबुक अकाउंट है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं सीधे सीधे। तो हम बात कर रहे हैं लालू यादव प्रसाद और नीतीश कुमार की पुस्तकों को लेकर। उससे पहले हम अपनी पुस्तक वीरेंद्र यादव न्यूज की जो मासिक पत्रिका हमारी है, ये जो मेरी मासिक पत्रिका है वीरेंद्र यादव न्यूज, जो पीछे आप देख रहे हैं मासिक पत्रिका है, पिछले 5 सालों से छप रही पत्रिका, उस पत्रिका का पूरा संकलन है ये किताब राजनीति की जाति, बिहार की राजनीति पर सबसे महंगी, सबसे उपयोगी और चुनाव के लिए सबसे जरूरी किताब। अगर बिहार में आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, आपको अपने क्षेत्र की बनावट, बसावट, जाति, वोटों की संख्या की जानकारी बहुत क्लियर नहीं है, तो यह किताब, इस किताब को पढ़ के अपने क्षेत्र की जातीय बसावट, जातीय बनावट, किस जाति के कितने वोटर हैं, किस खास किसी क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, उस क्षेत्र में किस जाति की कितनी आबादी है। हमने इस किताब में 9 जातियों की डाटा संग्रहित किया है, लेकिन मेरे पास कम से कम 150 से 200 जातियों तक की संख्या है, लेकिन जिनकी संख्या बहुत आबादी कम है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जातियाँ हर क्षेत्र में हैं, जिनकी आबादी निर्णायक है, हम उसकी डाटा, उसका डाटा भी आपको उपलब्ध करा सकते हैं, वो अलग से उपलब्ध कराएंगे। किताब में सिर्फ 9 जातियों का डाटा है, हर विधानसभा क्षेत्र का, लोकसभा क्षेत्र का डाटा इसमें है, कब किस क्षेत्र से कौन चुनाव जीतेगा भारत 2057 के बाद, कितना वोट मिला है किनको, उस सब का सब डाटा, जो एक उम्मीदवार के लिए सबसे जरूरी जानकारी चाहिए, बेसिक जानकारी टिकट का दावा करने के लिए, उसके लिए किताब बहुत जरूरी है। तो अब हम आते हैं इस किताब की चर्चा के बाद उन दो किताबों पे जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक किताब लिखी है संसद में विकास की बातें, देख लीजिए ना, ये किताब लोकसभा और राज्यसभा में सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में नीतीश कुमार द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन है। किताब का नाम है संसद में विकास की बातें। इसका लोकार्पण करीब दो साल पहले बिहार विधान परिषद के नेक्सी में सांसद हरिवंश जी ने किया था। इस पर और चर्चा करते हैं, उससे पहले बता दें दूसरी किताब मेरे पास है, ये सदन में लालू प्रसाद। ये किताब हमें कल ही मिली है, किताब भी हाल में प्रकाशित हुई है। इस किताब में लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में या केंद्रीय मंत्री के रूप में, लोकसभा और विधानमंडल में, संसद और विधानमंडल में दिए उनके भाषणों का संकलन है। इसका संपादन किया है अरुण नारायण जी ने, और इसका संपादन किया था नरेंद्र पाठक जी ने। दो पुस्तकें देखिए, बिहार की राजनीति दो बड़े नेताओं के की दो पुस्तकें हैं, दिख रही है किताब। एक किताब लालू यादव की प्रसाद के भाषणों का संकलन है, दूसरी किताब नीतीश कुमार के भाषणों का संकलन है। एक पर विकास की बात पर जोर दिया गया है, दूसरे पर सामाजिक न्याय की बात पर फोकस किया गया है। बेसिक अंतर दोनों किताबों में यही है, दोनों दो नेताओं का भाषण है। देखिए, एक लालू यादव की किताब में जो फोकस किया गया है सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य को, सामाजिक सरोकार के परिप्रेक्ष्य को, उसमें सामाजिक न्याय और सम्मान और सत्ता की बात को ज्यादा फोकस किया गया है,
और जो दूसरी किताब है नीतीश कुमार की, उसमें विकास की बात को ज़्यादा फोकस किया गया है। हालांकि भाषणों में जो जरूरी भाषण था सब छपे हैं। हम ये जो नीतीश कुमार की जो किताब है उसमें 125 भाषण छपे हैं उनके, लोकसभा या राज्यसभा या में दिए गए उनके 125 भाषणों का संकलन है। दूसरी बात ये बताते हैं कि नीतीश कुमार की जो पुस्तक है उसका जो क्रम सूची बनाया गया है वो बनाया गया तिथि बार, मतलब 1990 से 2005 तक लोकसभा या राज्यसभा में नीतीश कुमार ने एज ए सांसद एज ए मंत्री जो भाषण दिया उसमें महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन है, जिसको जो क्रमवार दिया हुआ है, तिथिवार दिया हुआ है कि 90 से लेकर 2005 तक इन 15 सालों में नीतीश कुमार ने एज ए सांसद एज ए मंत्री क्या क्या भाषण दिया है। उसमें विषय का चयन विषय के हिसाब से नहीं किया गया है, तिथि के हिसाब से किया गया है। हर एक तिथि की बात, जैसे कि आप देखिए इसकी जो क्रम सूची है वहीं तारीख लिखी हुई है किस तारीख का भाषण दिया हुआ है लोकसभा में राज्यसभा उनका। देखिए इनका पहला भाषण है नीतीश कुमार जी की किताब का भाषण, पहला संकलित भाषण है वो महाने और संकरी नदियों पर जलाशय, ये दिए थे भाषण 4 मार्च 1990 को पटना में गंगा नदी पर रेल पुल की मांग, भाषण था 12 अप्रैल 1990 को। इसी तरह डेट बढ़ता गया है, रोजगार गारंटी गैर सरकारी विधेयक 20/12/1999, इसी तरह फिर बौद्धिक संपदा विमर्श 3/4/1992। ये जो भाषणों का संकलन किया गया है वो किया गया तिथिवार। देखिए बाबरी मस्जिद में विवाद 23/2/1993, जैसे जैसे ऐसा नहीं विषयवार नहीं बल्कि ये तिथिवार है, जो भी संपादक को महत्वपूर्ण भाषण लगे उनको उसका इन्होंने संकलन किया है। कुल 125 भाषणों का संकलन है, कुछ में हम चर्चा भी करेंगे आपसे। दूसरा इस जो लालू जी की किताब है, लालू यादव की किताब, उसमें इसको चुना गया विषय पर किया गया चयन, इसमें भी करीब उनके 57 भाषणों का संकलन है, विधानसभा लोकसभा विधान परिषद राज्यसभा में दिए गए भाषणों का। उसमें इस किताब में जो किताब लालू प्रसाद की है इसमें जो विषय सूची दी हुई है, ये जो विषय सूची है ये विषय सूची इसलिए देखिए इसको इस किताब को मतलब इन विषयों को 7 खंड में बांटा गया है। इसका पहला खंड है सांप्रदायिक जहर का सियासी कारोबार, इसमें कुल 9 भाषण हैं। बिहार पिछड़ेपन, दूसरे खंड है बिहार पिछड़ेपन के समानांतर विशेष दर्जे की मांग, इसमें भी 9 भाषण हैं, 10-18 तक का क्रम संख्या इनका है। सामाजिक न्याय, तीसरा जो खंड है इसका सामाजिक न्याय जड़ता के खिलाफ न्याय की जंग है, इसमें भी 9 भाषण है। चौथा खंड है जनता के सवाल विपक्ष के सरोकार, इस खंड में 28 से लेकर 42 तक करीब 15 भाषण इस खंड में संकलित हैं, जनता के सवाल विपक्ष के सरोकार। इसमें पांचवा खंड है सत्ता बनाम तंत्र की रस्साकसी, पांचवा खंड है सत्ता बनाम तंत्र की रस्साकसी, इसमें 5 भाषण हैं। छठा खंड है रेल घाटे की रेल मुनाफे की पटरी पर, इसमें 6 भाषण संकलित हैं। और जन लोकपाल का जो चीज 7वां खंड है जन लोकपाल का नेपथ्य, इसमें 4 भाषण हैं। दोनों पुस्तकों में दोनों नेताओं का जीवन परिचय दिया हुआ है। नीतीश कुमार की पुस्तक में पहले नीतीश कुमार के भाषणों की जो पुस्तक है ये किताब उनकी नहीं है, समझिए सोचिए किताब का संपादन किया है अलग अलग लोगों ने, ये सिर्फ भाषण है उनके लोकसभा में दिए गए। किताब के निर्माण में उनके उनकी न कोई भूमिका है न प्रस्तावना है, संभवतः सिर्फ इनका भाषणों का संकलन है। तो हम ये कह सकते हैं किताब उनकी नहीं है, संपादक इसके हर किताब का अलग अलग है। जैसे कि नीतीश कुमार के जो है संसद में विकास की बातें उसके संपादक नरेंद्र पाठक हैं, नरेंद्र पाठक मूलतः सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने लगातार सोशलिज्म मतलब समाजवाद को लेकर काम किया है और उनका अध्ययन पीएचडी का विषय अभी समाजवादी आंदोलन ही था, उसको विशेषकर उन्होंने खासकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में कर्पूरी ठाकुर पर ज़्यादा काम किया उन्होंने। बल्कि यहाँ तक कि नरेंद्र पाठक जी ने
दो किताबें कर्पूरी ठाकुर पर भी लिखी हैं, उनके भाषण का संकलन किया है। इसके अलावा नरेंद्र पाठक जी ने जो किताब है संसद में विकास की बातें, इसके अलावा नीतीश कुमार के एक और भाषण का संकलन किया है, उसका नाम कुछ इसी तरह का है। उसमें नीतीश कुमार की विधानसभा दिए गए भाषण का संकलन है, उसमें मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने जो काम किया, जो भाषण दिया था विधानसभा में, वो बिहार के, उस नाम भूल रहे हैं उसका, वो दोनों किताब नीतीश कुमार के विधानसभा भाषणों का संकलन भी नरेंद्र पाठक ने किया है उसका, और लोकसभा में और लोकसभा राज्यसभा में दिए गए भाषणों का संकलन भी उन्होंने किया है। दोनों काम नीतीश कुमार से जुड़े दोनों काम, दोनों किताबों का संकलन, भाषणों का संकलन, किताबों का नहीं भाषणों का संकलन नीतीश कुमार नरेंद्र पाठक ने किया है। नरेंद्र पाठक पहले उनका विधानसभा में दिए गए भाषणों का संकलन किया, और अब इन्होंने किया है संकलन उनके लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए भाषणों का संकलन। अरुण नारायण एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साहित्यकार भी हैं, लगातार बहुत सारी किताबों का संपादन करते रहे हैं। वो कई किताबों का पत्रकारिता से जुड़े कई किताब भी उन्होंने संपादित किए हैं। इसके अलावा कई सामाजिक अभी किताब एक पत्रिका एक असमारिका रही है नेपथ्य के नायक, उसका संपादन उन्होंने किया है। उस किताब में खासकर ये फोकस किया गया है कि पीछे और दलित समाज के कौन कौन से लोग जो कि अब तक छुपे हुए थे, जिनकी चर्चा कहीं नहीं हो रही थी, उनके योगदान सामाजिक निर्माण में, देश के निर्माण में, आज़ादी के आंदोलन में, उसके बाद आंदोलनों में जो भूमिका रही है उस पर फोकस है। तो हम आ रहे हैं फिर अब मुख्य मुद्दे पे, मुख्य मुद्दा तो चल ही रहे हैं हम लोग। कुछ खास बातें यह है कि आज हम चर्चा कर रहे हैं दो पुस्तकों पर कर रहे हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के भाषणों का। इसमें जो पहली पुस्तक है संसद में विकास की बातें, ये देखिए संसद में विकास की बातें, इसमें इसके संपादक बताया मैंने कि सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता नरेंद्र पाठक जी। इसका प्रकाशन किया है, इस किताब का प्रकाशन किया है प्रभात प्रकाशन ने, देखिए इसका प्रकाशन किया प्रभात प्रकाशन ने। ऐसा इसमें करीब 260 पन्ने हैं और 500 रुपये कीमत है इसकी। और जो लालू प्रसाद की पुस्तक है सदन में लालू प्रसाद, इनके प्रतिनिधि भाषण, एक है मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन पब्लिकेशन, वह भारत के राजनेता सीरीज पर किताब छाप रही है, प्रकाशन किताब छाप रहा है, उसके संपादक है, समूह संपादक है उसके संजीव चंदन, सीरीज संपादक की है, समूह संपादक की। अब तक कई किताब छाप चुके हैं वो लोग विभिन्न नेताओं पे। उसमें खास बात ये कि जो पहली किताब थी बिहार उस सीरीज की, वो थी अली अनवर पे, जो बिहार से ही राज्यसभा के मेंबर 12 साल रहे, और उन्होंने काफ़ी पसमानदा आंदोलन को बड़ा मतलब अति पिछड़ा आंदोलन या पिछड़ा आंदोलन मुसलमानों में जो था उसको उन्होंने काफ़ी ताकत दी, उसको एक पहचान भी दी अली अनवर जी ने। समय शुरू में कहा था आपसे कि इन दोनों पुस्तकों में पढ़कर, इन दोनों पुस्तकों को पढ़कर इन नेताओं के जन सरोकार, राजनीतिक सरोकार, सामाजिक सरोकार और उनके विजन को आसानी से समझा सकता है। बिहार के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को यह पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप आरजेडी कार्यकर्ता हैं, अगर देखिए ऐसे अगर बिहार में आप पोलिटिकल कार्यकर्ता हैं तो आपको नीतीश कुमार को भी पढ़ना चाहिए और लालू यादव को भी पढ़ना चाहिए। दोनों व्यक्ति बिहार के सामाजिक सरोकार को लेकर, सामाजिक आंदोलन को लेकर जुड़े रहे हैं। जो बिहार में बदलाव की धारा बह रही थी, हवा चल रही थी, उसके दोनों नायक रहे हैं। दोनों ने उस धावा को अपने अपने ढंग से प्रभावित किया। ठीक है, इनके आपस में वैचारिक मतभेद थे, लेकिन दोनों ने बिहार का जो सामाजिक बदलाव की हवा थी, दोनों ने अपने अपने ढंग से प्रभावित किया, अपने अपना सरोकार था सबका। लेकिन पूरे 30 सालों में जो बिहार का बदलाव हुआ, बिहार का विकास हुआ, उसमें इन दोनों नेताओं की बड़ी भूमिका थी। हमने एक अपना अंक छापा था वीरेंद्र यादव न्यूज़ का, दिखा रहे हैं आपको। उसमें मैंने फोकस किया था कि पिछले 30 सालों में बिहार में क्या बदला, उसमें विषय ही रखा था कि पिछले 30 सालों का गैर सवर्ण राज। उस अंक में हमने पूरा ही फोकस किया था कि जो राज रहा पिछड़ों का, दलितों का, उसमें कितना बदला बिहार।
उस परिप्रेक्ष्य में भी एक किताब, उस परिप्रेक्ष्य को भी समझने में किताब काफी कारगर साबित होगी आपको। इस किताब के संबंध में दोनों के संपादक की जो अपनी अपनी राय रखी है वो भी अच्छा बहुत ही बढ़िया है किताब को समझने के बारे में। जैसे कि अरुण इसके इसके संपादक जो हैं जो इसके संपादक हैं अरुण नारायण, उन्होंने लिखा है एक जगह, मंडल परिघटना के 30 वर्ष बाद बहुजन आबादी की एक हिस्से की आज विश्वविद्यालयों, अकादमियों और सोशल मीडिया पर दस्तक शुरू हो गई है। जिस लालू प्रसाद को खलनायकत्व की तरह तरह की उपमाओं से धूल धूषित किया जाता रहा, अब उनके नायकत्व बनाने का दौर शुरू हुआ है। स्वर्ण बौद्धिकता अक्सर उन्हें मसखरा, ज्ञान शून्य और जंगल राज का पर्याय बताती रही है। लालू प्रसाद के इन भाषणों से देश समाज के महत्वपूर्ण वैचारिक प्रश्नों का देश समाज के महत्वपूर्ण वैचारिक प्रश्नों पर उनका गंभीर रुख नजर आता है। वे किस विषय पर कितनी गंभीरता से वे किस विषय पर कितनी गंभीरता से नहीं बोलते हैं। उनका यह संसदीय भाषण उनका यह संसदीय भाषण उन्हें इसी दानवीकरण से निकालने की दिशा की शुरुआत है। इसमें संपादक का ये कहना है कि जो धारणा थी लालू प्रसाद के प्रति, लोगों की जो आम धारणा थी लालू लालू प्रसाद के प्रति कि लालू यादव गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है, उनको विकास का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जब किताब पढ़ेंगे आप, तो लालू यादव ने जिन छोटे छोटे चीज़ों को जिस गंभीरता से देखा है और उस गंभीरता से उन्हीं बातों को उसी परिप्रेक्ष्य में जो किताब में रखा है भाषणों के रूप में, वो अद्भुत है। मैंने लालू यादव को समझना है, आपने लालू यादव को पढ़ा बहुत, सुना बहुत होगा, उनके भाषण सुने होंगे, मंच पे भाषण सुना होगा आपने, उनके भाषण लोकसभा में भाषण दिए, उनका वीडियो देखा होगा आपने। लेकिन जो किताब में उन्होंने जो बातें जिस गंभीरता से उठाया उन्होंने, चाहे सामाजिक न्याय का मामला हो, मंडल आयोग का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, जो भी मामला हो, शिक्षा का मामला हो, शैक्षणिक संस्थानों का मामला हो, इन सब मुद्दों पे लालू यादव ने बहुत ही स्पष्ट से कहा है। केंद्रीय राजनीति और बिहार की राजनीति को लेकर उन्होंने शीर्षक जो भाग, लेकिन सबसे बड़ी खासियत क्या है इस किताब की, जो अरुण रानी की जो संपादित पुस्तक है, इसमें उन्होंने जो विषय जो भी भाषण दिए किसी विषय पर लालू यादव ने, तो उसका जो विषय चुने, सब्जेक्ट मतलब क्या शीर्षक चुना है ना, शीर्षक बहुत मतलब इसके मतलब कम्युनिकेटिव है। जो लालू यादव क्या कहना चाहते हैं वो शीर्षक बहुत कम्युनिकेटिव हो गया है। जैसे एक मैं भाषण शीर्षक लालू जी ने भाषण दिया था लोकसभा में 28 मार्च 1998 को, उनका शीर्षक है कि मेरे पास सेकुलरिज्म का अलर्ट है, मतलब सांप्रदायिकता के खिलाफ है। जो इनका अभियान था उस संदर्भ में लालू यादव ने कहा था, एक भाषण में लालू यादव ने 15 अप्रैल 1999 को लोकसभा में लालू जी ने कहा था कि मतलब अटल बिहारी वाजपेयी हमला करते हुए, उसमें उस दोनों सरकार थी उस समय वाजपेयी जी की सत्ता की भूख में आपका सारा ब्रह्मचर्य टूट गया। ये लालू जी जो भाषण का सार था उसका शीर्षक यही है उस भाषण का, कुल ये कहना था इसमें कि आप जो जो करते थे कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, आपसे बदलाव की बात चाहिए, जो भी था, लेकिन सत्ता के मिलते जो आपका अवधारणा मतलब कि जो आपने आडंबर ओढ़ रखा था टूट गया, सत्ता मिलते ही आपकी। एक अन्य भाषण का शीर्षक है, ये भाषण दिया था लालू यादव ने, पहला भाषण दिया था हमने राज्यसभा में 2 मई 2002 को, ये भाषण राज्यसभा का है कि यह देश में रहेगा तभी कोई आएगा, यह देश रहेगा तभी कोई भी आएगा जाएगा। हमने अपने एक अंक में लालू यादव की पुस्तक का समीक्षा भी छापा था, हमारा ये अंक था बीरेंद्र यादव न्यूज का, इसमें हमें छापा था इस पुस्तक जो है, ये जो पुस्तक है इसमें मैंने संक्षेप छापी थी इस किताब में, उसमें शीर्षक ये है कि
कि सही आजादी का सबूत किसी लोग इनका भाषण था लालू यादव का विधानसभा में दिया गया जब मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद जो पहला भाषण हुआ था इनका बजट भाषण, उसमें उन्होंने कहा था अपनी बात कि सही आजादी का सबूत गांव हमारा हो मजबूत, गांव की मजबूती के प्रति लालू यादव कितने सीरियस थे, इसका ये उदाहरण है। एक और अच्छा शीर्षक है उसमें, इन्होंने राज्यसभा में दो मई 2002 कहा था कि लालू किसी बंदर घुड़की से झुकने वाला नहीं है। इस तरह पूरी किताब में मैंने पूरे तो पूरे इस किताब में लालू यादव के 57 भाषण संकलित हैं। वो बिहार के समाज को, बिहार की राजनीति को, देश की राजनीति को, देश की दिशा को समझने में बहुत सहायक होगी किसी भी पाठक के लिए, किसी भी बिहार सामाजिक न्याय के, किसी भी बिहार के कोई पाठक को, देश कोई पाठक को, तो लालू यादव को भाषण जो संसद में दिया गया है उसका परिप्रेक्ष्य तो पूरी तरह प्रदेशी रहा होगा। इसमें हमारे पास प्रणय प्रियंवद जी असली पार्टी के, ललन यादव जी हैं असली पार्टी के, और संजय वर्मा जी, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भेजी है, धन्यवाद। एक बार फिर हम फिर आते हैं इस किताब पे, ये लालू जी का जो किताब थी लालू प्रसाद की संसद में, इस किताब में लालू यादव के चारों सदनों का भाषण संकलित है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, एज ए सांसद, एज ए मुख्यमंत्री। इस किताब में फोकस सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा में नीतीश कुमार के भाषणों का संकलन है। 560 रुपये पन्ने की किताब, 500 रुपये की है छापा, इसको प्रभात प्रकाशन ने। इस किताब में भी संपादक नरेंद्र पाठक ने उन सभी विषयों को उठाने का प्रयास किया है, चुना है जो आम जन के हित, आम जन से जुड़ा हुआ हो। जैसे कि जो कुछ शीर्षक इसमें है, जो शीर्षक चूंकि जिस विषय पर चर्चा हो रही है लोकसभा में या विधान राज्यसभा में, तो उसमें जो अलग अलग कुछ शीर्षकें हैं उसमें पढ़ रहे हैं। जैसे लोकल मुद्दों को बहुत उठाते रहे नीतीश कुमार, जैसे मोकामा रेल दुर्घटना, फतुहा इस्लामपुर रेल लाइन, दालों तिलहन की खेती चूंकि दाल में दाल और का बड़ा समुद्र रहा है, बंगाल की खाड़ी में कृषि नीति पर वक्तव्य नीतीश कुमार का, अलगाववाद और आतंकवाद पर विमर्श, कमला बागमती परियोजना, राम जन्मभूमि विवाद, ये 92 का भाषण नीतीश कुमार का, उसमें वो आरजेडी के साथ थे, मैंने उसमें लालू के साथ थे, उसी एक भाषण में उन्होंने लालू यादव की तारीफ काफ़ी की थी। लालू यादव ने रामलाथ रोक दिया था पटना बिहार में, तो उसमें जो उसके बाद जो सेशन चल रहा था लोकसभा का, उन्होंने उसमें लालू यादव काफ़ी जम की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था बिहार के लाल ने आडवाणी की रथ की पहिया थाम ली थी बिहार में। हालांकि लालू यादव इसके प्रति, नीतीश कुमार या लालू के प्रति जो भी धारणा रही, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति जबरदस्त ढंग से एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, एक दूसरे के आभार भी जताने में परहेज नहीं करते। जैसे लालू यादव की किताब है, उन लालू यादव की खुद की आत्मकथा है गोपालगंज से रायसीना, उसमें लालू यादव ने बड़ी ईमानदारी से कहा है कि 1989 में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में कर्पूरी ठाकुर ध्यान तो गया था, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष चुनाव था, उसमें लालू यादव नेता प्रतिपक्ष चुने गए थे बिहार विधानसभा में 1989 में। तो उसमें एक जगह लालू यादव ने बड़ी ईमानदारी से कहा है कि नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में हमें बहुत मदद की थी, इसके लिए हम आजीवन ऋणी रहेंगे। और उसे अभी देखिए 1990-91 में जब रामरथ रोका गया था आडवाणी का, नीतीश कहते हैं कि लालू बिहार के लाल हैं जिन्होंने रथ रोक दिया। वैचारिक मतभेद के बावजूद दोनों सत्ता के समीकरण में जोर तो रहो, वैचारिक मतभेद के बावजूद दोनों एक दूसरे का व्यक्तिगत स्तर पर काफ़ी रिस्पेक्ट करते रहे हैं। किताब पढ़ के भी, जो किताबें लोगों की हैं या जो भाषण इनको देते रहे हैं, पढ़ के आप अच्छाई समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्रति कितना सम्मान का भाव रखते हैं। राजनीतिक वैचारिक मतभेद तो स्वाभाविक है, ये कोई राजनीति करने वालों की नई बात नहीं है, होना भी चाहिए। अब आते हैं जहाँ और कुछ और कुछ जो शीर्षक हैं किस किताब के, नीतीश कुमार की एक पुस्तक ही वाली, इसके जो और जो कुछ शीर्षक है उसमें देखिए, अकाल की स्थिति हुई बीमार से बौद्धिस्ट सर्किट के लिए यातायात, बंजारा जाति के पक्ष में जनता दल का विभाजन, मंत्री परिषद में के अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था उसमें भी उन्होंने अपनी बात रखी, बाबरी मस्जिद विवाद पे दंगल प्रस्ताव के विरोध में क्या रखा, नए राज्यों के निर्माण में क्या पक्ष था नीतीश कुमार का 1993 में, पराम गढ़वा में भूख से मौत 1993 के भाषण था इनका,
पिछड़ा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक पर भी नीतीश कुमार का भाषण था 1993 में, क्योंकि उसी साल गठन भी हुआ था पिछड़ा वर्ग आयोग का, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। गंगा बरेल पुल और पटना गया रेल लाइन का दोहरीकरण, इस मुद्दे पर उन्होंने 93 में अपनी बात रखी थी लोकसभा में। अनपिछड़े राज्य अनपिछड़े वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट, आरक्षण से जुड़े मुद्दे को उन्होंने रखा था। अनपिछड़े वर्गों के लिए आयु सीमा में छूट, उसमें बिहार झारखंड के खान और खनिज विकास संशोधन विधेयक आया था लोकसभा में, गेट में उन्होंने अपना पक्ष रखा था। छात्रों की नशे छात्रों में नशे की लत पर चिंता व्यक्त की थी लोकसभा में उन्होंने। प्रमोशन में आरक्षण पर विमर्श पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। कालाजार का प्रकोप पर उन्होंने, चूंकि बिहार में बड़ा समस्या थी कालाजार की, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी थी लोकसभा में। अनिवार्य शिक्षा विधेयक की बात रखी थी 1996 में। 1997 में मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल में विश्वास का प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा था। बाढ़ नियंत्रण में विमर्श रखा था, स्थगन प्रस्ताव पर रखा था। बिहार में बाढ़ को लेकर उन्होंने समस्या उठाई थी लोकसभा में। नालंदा क्षेत्र भुखमरी, जहाँ खुद नालंदा क्षेत्र भुखमरी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया था लोकसभा में। नालंदा क्षेत्र नालंदा से क्षेत्र में उसमें, चूंकि 2004 में ये नालंदा से भी चुने गए थे, नालंदा को ज़्यादा फोकस किया उन्होंने। किसानों की समस्या उठाया था, बिहार में कृषि संकल्प की बात की थी उन्होंने। नालंदा में भूख से मरते लोगों की चिंता जताई थी। राष्ट्रीय उच्च पद घोषणा करने की मांग की थी। रोजगार गारंटी विधेयक शक्ति प्रतिक्रम संबंध में, मतलब 125 भाषणों में जन जुड़ाव से जन आम लोगों से जुड़े सवालों को नीतीश कुमार लगातार उठा रहे थे, उठाते रहे थे। इस संबंध में जो लेखक ने अपनी बात रखी है किताब में, किताब के संबंध में नरेंद्र पाठक ने जो किताब के बारे में लिखा है वो बहुत सुनने उनको भी देखा जाना चाहिए। नीतीश कुमार, हाँ, नरेंद्र पाठक लिखते हैं अपने संपादक, अपने संपादकीय में क्या क्या लिखा है, इसको उन्होंने संपादकीय की जगह पर शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने। संपादकीय में नरेंद्र पाठक ने लिखा है इस संग्रह में से नीतीश कुमार के संसद के हुए अभिभाषण संग्रहित हैं, जिनको नई पीढ़ी संसदीय लोकतंत्र के अध्येताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के सम्मुख से ले जाना मैंने अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी समझी। संभव है इसमें कुछ अभिभाषण राजनीतिक दृष्टि से अप्रिय लगे, किंतु मेरा उद्देश्य उन प्रसंगों को उजागर करना है जिसमें एक सांसद अपने तरीके से किस तरह सोचता है और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उनका समाधान खोजने की दिशा में अपनी क्या राय रखता है। अपनी राय रखने के क्रम में तत्कालीन परिस्थितियों में थोड़ी इधर उधर की बातें टोका टोकी पक्ष प्रतिपक्ष के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर कटाक्ष भी होते हैं। इन अभिभाषणों में भी यदा कदा इस तरह की बातें आई हैं जिनको संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का हिस्सा माना जाना चाहिए, किसी के विरोध में नहीं। उन्होंने इसी में आगे लिखा है अपने संपादकीय में, इस संकलन का उद्देश्य यह है कि आज के परिप्रेक्ष्य में एक नेता अपने संसदीय जीवन के विमर्शों में तीन विषयों को उठाता है। शासन से मांग करता है, शासन के प्रतिनिधि के रूप में आश्वस्त करता है, परंतु जब वह स्वयं शासन का सूत्रधार बनता है तब उन विषयों को जो उन विमर्शों के केंद्र में थे उसका समाधान करने में जुट जाता है। इसका संदर्भ यह है कि मतलब नीतीश कुमार ने जो सांसद के रूप में या विधायक के रूप में जो मुद्दे उठा रहे थे जब उन्होंने सत्ता संभाली बिहार की, तब उन जो सवाल उठा रहे थे उसका समाधान नीतीश कुमार ने किस तरह से किया, इस किताब से भी पढ़ने से समझ में आती है बातें। दूसरी बात, एक और बात हम फिर लौट करते हैं लालू यादव की पुस्तक पे। इस पुस्तक में संपादक जो हैं अरुण नारायण, उन्होंने संपादक लंबा कैटलिस्ट लगभग 32 पन्नों का संपादकीय लिखा है। उसमें शुरुआत में जो उन्होंने बात लिखी है, क्योंकि मैंने कहा वैसे कहा कि नीतीश कुमार की किताब में विकास की बातों को ज़्यादा फोकस किया गया है, विकास के परिप्रेक्ष्य को ज़्यादा फोकस किया गया है, जबकि लालू यादव की पुस्तक में, उनके भाषणों की पुस्तक में
लालू यादव के सामाजिक सरोकारों को, सामाजिक न्याय के सरोकारों को ज्यादा फोकस किया गया है। इस किताब में विकास की बात भी है, रेलवे की जब हम बात करते हैं तो विकास की तो वो बात वहाँ होती है, लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में किताब में सामाजिक सरोकार, सामाजिक न्याय और जो समाज वंचित समाज के हित की बात जो उठाई लालू यादव ने, उसको फोकस किया गया है। इसी में संपादक जो लिखते हैं पूर्व कथन संपादक अरुण नारायण, तो उन्होंने शुरुआत की है, एक महेंद्र सुमन जी हैं वो भी वैचारिक सामाजिक राजनीतिक विचारक ही हैं, उनकी उन्हीं कथन से, उनका कथन उन्होंने अपना खबर लिखी, खबर में लिखा था तहलका में, उसी लेख से उन्होंने पहला तथ्य ले लिया है अपनी शुरुआत, अपने भाषण की शुरुआत, अपने संपादकीय की शुरुआत में, कि लालू यादव जो ये लाइन महेंद्र सुमन की खबर का चार लाइन है, यही से अरुण नारायण ने अपनी संपादकीय की शुरुआत की है। लालू को जैसे कि महेंद्र कुमार सुमन लिखते हैं, लालू यादव को सवर्ण जातियां अगले 100 साल तक माफ नहीं करेंगी, जबकि बहुजन जातियां उनकी 100 गलतियों को माफ करती रहेंगी। ऐसा इसलिए कि उन्होंने गरीबों को आवाज दी। मेरे ख्याल से इन गलतियों में यह शामिल नहीं होगा कि वह गरीबों का आवाज देना बंद कर दें। ये जैसे बार बार कहते हैं लालू यादव की सामाजिक न्याय की बात की, गरीबों का आवाज दी, कमजोरों का आवाज दी। इस पूरी किताब की जो पहली शुरुआत होती है इसी लाइन से होती है, महेंद्र सुमन की लाइन से, जिसमें कहा उन्होंने कि लालू यादव ने जो काम किया है उसके लिए एक वर्ग उन्हें भले उनकी आलोचना करता रहे, लेकिन दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो उनके उस काम के साथ खड़ा है। और वही ताकत थी नीतीश कुमार लालू यादव की कि आज 30 साल बाद भी सत्ता के 30 सालों से बिहार की रही, 30 से कब जब सत्ता में लौटे, जब 1990 में सत्ता में आए, उसके बाद से लालू यादव आज तक बिहार की राजनीति के अपरिहार्य अंग बने हुए हैं। यह भी संयोग किया कि दोनों नीतीश और लालू दोनों साथ साथ राजनीति में आए। नीतीश लालू यादव 1977 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए, बाद में दो बार विधानसभा के लिए चुने गए 80 और 85 में। नीतीश कुमार पहली बार चुनाव चुने गए विधानसभा में 1985 में, 1989 में दोनों साथ साथ लोकसभा पहुंचे। लालू यादव चुनाव जीते छपरा से और नीतीश कुमार जीते बाढ़ से, दोनों साथ साथ। फिर 90 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनकर वापस बिहार लौट आए और नीतीश कुमार लोकसभा में बने रहे। 1990-94 तक यानी 92-93 तक नीतीश कुमार और लालू यादव एक दूसरे के पर्याय थे, एक दूसरे के चाणक्य और चंद्रगुप्त की चर्चा की जाती थी। लेकिन 93 आते आते दोनों का मतभेद गहराने लगा और 94 में बाकायदा दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ये टकराव सिर्फ सत्ता का टकराव नहीं रहा था, ये मतलब कि सामाजिक टकराव भी था। सत्ता का जो समय इसको आप जो लालू यादव का और नीतीश कुमार का टकराव था वैचारिक भी कह सकते हैं उसको, लेकिन मुख्य लड़ाई सत्ता की लड़ाई थी। सत्ता हमारे हाथ में या तुम्हारे हाथ में, सत्ता का शिकंजा, सत्ता का चाबुक किसके पास रहेगा, लड़ाई शुरुआत में विवाद यहीं से होगी। फिर 94 में नीतीश कुमार बिल्कुल अलग हो गए, उन्होंने बल्कि लोकसभा में पार्टी का विभाजन हो गया। लालू नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी बनाई समता पार्टी, इसके बाद 1994 से लेकर 2014 तक यानी कल लगभग 20 वर्षों तक लालू नीतीश कुमार अलग अलग धारा के पॉलिटिक्स करते रहे, लेकिन 14 में दोनों जब मटिया मीट हो गए लोकसभा चुनाव में, तो मिट्टी को मिलाकर फिर एक सत्ता का किला खड़ा करने का प्रयास किया गया। उसको दोनों सफल भी रहे, लालू नीतीश मिले 15 के विधानसभा चुनाव के पहले, साथ में प्रचार किए, सत्ता में दोनों मिल के साथ आए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने 15 में और लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार बहुत दिनों तक साथ दोनों नहीं चल पाया, फिर वही जो टकराव 94 में हुआ था सत्ता में मलाई का हिस्सेदारी की, यहाँ भी वही सत्ता की हिस्सेदारी, मलाई की हिस्सेदारी हो गई। बहाने अलग अलग थे, लड़ाई तो मलाई का ही था, लड़ाई तो मलाई की थी, फिर दोनों अलग हो गए। ये राजनीति तो चलती रहती है, लेकिन पिछले 30 सालों में बिहार की राजनीति इन्हीं दो नेताओं के आसपास घूमती रही है। और उस राजनीति को समझने को, देखने को और उनके संसद में दोनों के व्यवहार को समझने के लिए, उनके भाषणों को समझने के लिए ये दोनों पुस्तक बहुत जरूरी हैं। अगर आप बिहार में राजनीति करते हैं, बिहार की पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये किताबें, दोनों किताबें आप जरूर पढ़ लीजिए। दोनों चाहे किसी पार्टी के आप हों, मतभेद होना अलग बात है,
लेकिन जो सरोकार है नेता के, सरोकार नेता का हर सरोकार जन सरोकार जुड़ा होता है, उसे परिप्रेक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है हमारा देखने का नजरिया अलग हो, आपका देखने का नजरिया अलग हो, लेकिन काम का काम सबका ही होता है, जनता को जोड़ के रखना, जनता को साथ लेकर चलना। उसके लिए जो जरूरत पड़ती है लोग उसके लिए करते हैं। पार्टी की नीति सिद्धांत भी इसी बात के लिए कहते हैं, हमारा ये सिद्धांत अगर आप मेरे साथ चलिए या विरोध है विरोध करें जो भी हो, लेकिन केंद्र जन जन ही होता है, जन सरोकार ही होता है। तो ये जन सरोकार जो उनके परिप्रेक्ष्य थे नीतीश कुमार के, यानी लालू यादव के जो भाषण है लोकसभा ये सदन में चारों सदनों में, और ये नीतीश कुमार के संसद में दिए गए भाषण का जो संकलन है, ये दोनों नेताओं को समझने के, सिर्फ दोनों नेताओं को ही नहीं बल्कि बिहार को समझने के लिए, बिहार की जमीन को समझने के लिए, बिहार की राजनीति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम ये चर्चा कर रहे थे लालू यादव की किताब, लालू यादव किताब दरअसल किताब लालू यादव और नीतीश कुमार की नहीं है, ये किताब दोनों नेताओं के भाषणों का संकलन है। सिर्फ एक एक संपादक है नरेंद्र पाठक, नीतीश कुमार की जो नीतीश कुमार का जो भाषण है उसका संकलन करता है संपादक है नरेंद्र पाठक, और लालू प्रसाद के भाषणों का संकलन करता है अरुण नारायण। इसमें लालू यादव के जो भाषण का संकलन है इसमें बड़ी भूमिका रही है संजीव चंदन की, जो मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन के प्रकाशक, मतलब प्रकाशक भी है उसके, उसके कोऑर्डिनेटर भी हैं, और अभी जो प्रेस रिलीज छाप रहे हैं भारत के राजनेता के नाम से, उसमें जो भी दलित वर्ग के जो भी संघर्ष करके लोग सत्ता में राजनीति में अपनी जगह बनाई है उनको फोकस किया है। तो आज हम इतना ही चलते चलते अभी बता दें आपको कि हमारा आप ये वीडियो वेब समाचार 24x7 पर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर भी। और एक बार फिर अगर आप बिहार की राजनीति करते हैं, बिहार में चुनाव लड़ते हैं, बिहार में चुनाव में चुनाव में आपको जातीय आंकड़े चाहिए, चुनावी आंकड़े चाहिए, तो आप ये किताब जरूर पढ़ें, हमारी पुस्तक राजनीति की जाति, बिहार की सबसे महंगी पुस्तक, करोड़पतियों की पहली पसंद, करोड़पति से महीने में जो चुनाव लड़ना है जिनको, वो तो करोड़ रुपये से कम के लेके तो फंडा चलते नहीं होंगे, ये करोड़ खर्चा करना चुनाव में डुबा देना है चाहे फिर बाद में लूट लेना है जो भी कर ले। तो जो करोड़पति चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 5500 रुपये किताब बहुत महंगी नहीं है, तो उन्हें किताब खरीदना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बिहार की राजनीति करनी है तो। और बिहार की राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए प्रति गंभीर हैं तो वीरेंद्र यादव की ये पुस्तक राजनीति की जाति आपके लिए संजीवनी साबित हो सकती है, आपके डाटा के लिए, आपके क्षेत्र की जातिवाद डाटा के लिए, आपके क्षेत्र का इतिहास के लिए, वहाँ कौन कब जीता कौन हारा इसके लिए, ये पूरी समग्र जो काम आप लाख रुपए खर्चा करके नहीं कर डाटा एक जमा कर सकते हैं वो किताब आपको 5500 रुपये मिल जाएगी, डाटा मिल जाएंगे। तो एक बार जरूर आप अगर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा नंबर है 9199910924, हमसे संपर्क करें, हमको और बहुत सारे डाटा के संबंध बता पाएंगे आपको कहाँ से डाटा मिलेगा कैसे मिलेगा। और किताब तो पहली, लेकिन पहली शर्त है कि किताब खरीदनी होगी आपको, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। पहले ग्राहक बनिए फिर दोस्त बनिए, दोस्त बनिए ग्राहक बनिए जो कह लीजिए उसको, लेकिन अगर हमसे डाटा चाहिए विभिन्न चुनावों को लेकर तो पहले किताब खरीदनी होगी, पहली शर्त है। तो बस आज का इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए विषय को लेकर, नई चीज़ों को लेकर। अगर आपको ये हमसे लगातार जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे हमें आप अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दें या ईमेल भेज दें, हम आपको ईमेल और व्हाट्सएप पर भी खबर भेजते रहेंगे। अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमसे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, मेरा अब वीरेंद्र कुमार यादव लिखेंगे उसमें एक लोगो आएगा BYN के नाम से, वही मेरा अकाउंट है फेसबुक पे, आप वहाँ भी लौट के आप पढ़ सकते चीज़ों को देख सकते हैं। तो बस आज फिर इतना ही, नमस्कार, फिर मिलेंगे कल।